स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मेरा नाम है मोनिका। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तमिलनाडु के पौंडिचेरी जगत गुरु श्री शिवसन मुगसुंदर बाबूजी स्वामी के सामाजिक कार्य, जो तमिलनाडु पौंडिचेरी विश्वकर्मा समुदाय संघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं, एक जगत गुरु स्वामी हैं, जो पिछले 5 वर्षों से विश्वकर्मा समुदाय की उन्नति के लिए विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। उन्हें वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। भारतीय चुनाव आयोग एक राजनीतिक यात्रा है। विश्व भारत पीपल्स पार्टी नाम की जिस पार्टी के वो नेता हैं, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। जगत गुरु श्री बाबूजी स्वामी इसी बारे में बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में लाखों लोग रहते हैं। विश्वकर्मा समाज के लोगों को जब कोई समस्या होती है तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें किसके पास ले जाना है, क्योंकि राजनीति में ऊंचे पद पर कोई नहीं है। जब उनके सामने विभिन्न परेशानियां आती हैं, तो वह समस्या को हल करने वाली सबसे बड़ी हस्ती होते हैं। श्री बाबूजी, जिन्हें पूरे तमिलनाडु में विश्वकर्मा जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, अब एक राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं और कहा है कि वह लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। लोग फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु पौंडिचेरी विश्वकर्मा सोसाइटीज तमिलनाडु में सभी संघों का समन्वय करना जारी रखेगी। जो कोई भी राजनीति में स्वामी के साथ काम करना चाहता है, वह विश्व भारत पीपुल्स पार्टी का सदस्य बन सकता है। संगठन सचिव महिला टीम के जिला सचिवों का आज परिचय कराया गया पूरे तमिलनाडु में काम करने के लिए। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट। விழாவின் நிகழ்வாக விஸ்வ பாரத் மக்கள் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சிவசண்முக சுந்தர பாபுஜி சுவாமிகள் அவர்கள் இப்பொழுது தீர்மான முக்கிய நகரில் கையெழுத்திடுகிறார். அந்த காட்சியினைத்தான் இப்பொழுது நாம் அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம்.